साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान। तो प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है। तो एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों में फंसती नजर आ रही है। विवादित बयान उन्होंने दिया है कि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं। तो एसपीजी बिल के दौरान बहस पर गोडसे को देशभक्त उन्होंने कहा, लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया गया प्रज्ञा ठाकुर का बयान। तो भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद पटल में नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है। बुधवार को लोकसभा में एक डिबेट के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये बयान दिया। दरअसल लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पर डीएमके सांसद ए राजा अपनी राय रख रहे थे। इस दौरान ए राजा ने गोडसे के एक बयान का जिक्र किया जिसमें गोडसे ने कहा था कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा था। जब ए राजा बोल ही रहे थे कि उसी समय प्रज्ञा ठाकुर ने बीच में दखल देते हुए कहा कि आप एक देशभक्त का उदाहरण नहीं दे सकते। उनके इस बयान के बाद लोकसभा में हंगामा मच गया। हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। तो ये विवादित बयान यहां पर एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से। हालांकि सदन की कार्यवाही से इस बयान को हटा दिया गया, लेकिन जिस तरह से नाथूराम गोडसे को देशभक्त का उसके बाद सदन के अंदर हंगामा विपक्ष की तरफ से, तो बता दें कि जिस तरह से एसपीजी को लेकर ये बिल सदन में लाया गया उस पर चर्चा चल रही थी। और इसी दौरान जब इस पर बात हुई तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से ये बयान यहां पर दिया गया। तो एक बार फिर से विवादित बयानों में आपको बता दें कि ऐसा पहला नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ने इस तरह से बयानबाजी की हो। तो संसद में प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा और अब कहीं ना कहीं इस विवादित बयान पर हंगामा मचता हुआ लोकसभा के अंदर नजर आया। तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद पटल में नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है। तो लोकसभा में एक डिबेट के दौरान उन्होंने ये बयान दिया जिसके बाद लोकसभा में हंगामा देखा गया। तो बुधवार को लोकसभा में डिबेट के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया। दरअसल लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पर डीएमके सांसद ए राजा अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान ए राजा ने गोडसे के एक बयान का जिक्र किया जिसमें गोडसे ने कहा था कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा था। और इसी बीच प्रज्ञा ठाकुर ने ये बयान दिया और बीच में दखल देते हुए कहा कि आप एक देशभक्त का उदाहरण नहीं दे सकते। उनके इस बयान के बाद लोकसभा में हंगामा मच गया। हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है, लेकिन इस बयान के बाद लोकसभा में हंगामा देखा गया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कार्रवाई की बात जरूर यहां पर कही है, लेकिन विवाद जो है वो यहां पर बढ़ता देखा गया। तो आपको बता दें कि जैसे ही गोडसे के नाम का जिक्र हुआ, इस दौरान सब प्रज्ञा ठाकुर ने बीच में दखल देते हुए कहा कि एक देशभक्त का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। तो भोपाल से बीजेपी सांसद है प्रज्ञा ठाकुर और संसद में उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा।